दिल्ली के चांदबाग इलाके में 3 दिन तक चली हिंसा के बाद अब व्यवस्था पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ईडीएमसी पहुंची है चांदबाग इलाके में और पूरे इलाके में जो मलबा फैला हुआ है उसको भरकर यहां से ले जाया जा रहा है। दरअसल 3 दिन तक यहां पर हिंसा हुई, जबरदस्त तरीके से पथराव हुआ, आगजनी हुई और उसके बाद इस तरीके के तमाम जितने पत्थर हैं वो पूरे चांदबाग में फैले हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो गाड़ियां जलाई गई हैं उसका भी मलबा पूरे इलाके में फैला हुआ है और यही वजह है कि ईडीएमसी के तमाम जितने कर्मचारी हैं वो चांदबाग इलाके में पहुंचे हैं और यहां से मलबा हटाया जा रहा है और इसके साथ साथ जो गाड़ियों का मलबा है, जिन गाड़ियों में आग लगाई गई है उनको भी यहां से हटाया जा रहा है। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं दरअसल ये ताहिर हुसैन की बिल्डिंग है और इसी की छत से ज़बरदस्त तरीके से पथराव हुआ था और पेट्रोल बम दागे गए थे और उसके बाद कुछ इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली है। हालांकि अब काफ़ी सारे इलाके को यहां से साफ किया गया है लेकिन अभी भी पूरे चांदबाग में कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी इस तरीके का मलबा फैला हुआ है और उसकी वजह से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है और यही वजह है कि ईडीएमसी यहां पर पहुंची है। आप देख पा रहे हैं कि पूरे सड़क पर पत्थर फैले हैं और कहीं ना कहीं एक ही सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है, तो उम्मीद है कि जल्द व्यवस्था पटरी पर आएगी। लेकिन फिलहाल ईडीएमसी के तमाम कर्मचारी यहां से मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द हम भी उम्मीद करते हैं कि जो चांदबाग पहले जैसा था वापस वैसा ही हो जाएगा। हालांकि 3 दिन तक ज़बरदस्त तरीके से हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई लेकिन अब चांदबाग और उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका पूरी तरीके से शांत है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब व्यवस्था को वापस पटरी में पर लाने के लिए काफ़ी समय लगेगा और हम कह सकते हैं कि ईडीएमसी की तरफ से भी कोशिश है कि जो पूरे इलाके में मलबा फैला हुआ है उसको यहां से हटाया जाए और जो व्यवस्था है उसको वापस पटरी पर लाया जाए। कैमरामैन अनिल जुरेसा के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।